बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिर्ज़ा अरसलान और आप देख रहे हैं मुगल ज़ात यूट्यूब चैनल। रिंग रोड रावलपिंडी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और बाकी भी जितने भी प्रोजेक्ट थे रावलपिंडी इस्लामाबाद में वर्किंग चल रही है, उनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के हवाले से आपके काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे, तो इसके बारे में आज आपको अपडेट करना है। काफ़ी दिनों से इधर जो है मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, आज मैंने सोचा आपको जो डिटेल के साथ ब्लॉग बना के दिखाते हैं, सारी डिटेल देते हैं किधर तक वर्किंग इसकी पहुंची है, मुकम्मल आपको अपडेट किया जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, आपने लाजमी देखनी है और मिस नहीं करना कोई भी पॉइंट। इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा ये है कि आज कश्मीर डे है, 5 फरवरी है, मुझे भी छुट्टी थी, मैंने कहा आज डिटेल के साथ आपको इसका ब्लॉग बना के दिखाएँगे। चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। काकपुल वाली साइड जो है मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा, उस साइड पे धूप ज़्यादा है तो मैंने करीब से ही आपको दिखाना है इंशाल्लाह। ये पुल की जो डिटेल है, ये पुल के नीचे वाली साइड से ही चल के आपको सारा एरिया दिखाएंगे इंशाल्लाह। पहले मैं ये आपको दूसरी साइड दिखा रहा हूँ, पुल से आगे नेवल एनकरेज की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थवर्क जो है वो स्टार्ट हो चुका है। पुल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं और वहाँ साइड से नेवल की तरफ आते हुए, तो ये यहाँ पर जो है मट्टी और साथ में जो है ये गैड़ा पत्थर, ये वक्फे वक्फे से जो है डाल के इसको अभी ग्रेटिंग करके कंपैक्ट किया जाएगा। और यहाँ से ये जो है डंपिंग की जा रही है, साथ में आगे रिवर गार्डन के बिल्कुल बाहर वाला जो एरिया है, यहाँ से जो है ये डंपर्स फिल अप करके यहाँ पर डाले जा रहे हैं। अभी आज ये जो है वर्किंग शुरू हुई है ये आपके सामने, अभी इसको जो है अर्थ पर काफ़ी तेज़ी के साथ करके ऊपर रोड के साथ बराबर किया जाएगा। ये आपके सामने जो है डैम्पर्स अनलोड हो रहे हैं, थोड़े थोड़े वक्फे से डाल के अभी इसको जो है ग्रेडिंग भी की जाएगी। और इस सारे एरिया में जो है ये आप देख सकते हैं वर्किंग चल रही है, यहाँ से जो है गैड़ा उठा के ऊपर डाला जा रहा है। काकपुल वाली साइड अगर आप देखें तो उधर बिल्कुल वर्किंग स्टॉप थी इन दिनों, तो यही लगता था कि इलेक्शन की वजह से यहाँ पर वर्किंग रुक चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वर्किंग उसी स्पीड से चल रही है। और ये रिवर गार्डन के बिल्कुल बाहर वाला एरिया पहले भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर जो है डंपिंग वगैरह हो रही थी। और ये सामने आप देख सकते हैं क्रश कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो है, सामने पड़ी हुई है। सारे एरिया में जो है डंपिंग हो रही है और इधर ये ग्रेडर खड़े हैं, साथ साथ इन्होंने अभी जो है अपनी ग्रेडिंग और कंपेक्शन का प्रोसेस शुरू करना है। आगे रोड रोलर भी खड़ा है और ये भी जो आप एरिया देख रहे हैं रिवर गार्डन अंडरपास वाली साइड, जापान रोड अंडरपास जो है वापसी पर आपको दिखाया जाएगा। नाम तो इसको वैसे जापान रोड अंडरपास ही दिया गया है। और आगे जो है इसकी जो कलवर्ट बन रही है ब्रिज कलवर्ट, उसके ऊपर भी जो है वर्किंग चल रही है। बाकी यहाँ पर ग्रेडिंग चल रही है, ये आप सामने देख सकते हैं क्रश डाल के इसको जो है ग्रेडिंग किया जा रहा है और साथ ही इसके ऊपर कंपेक्शन भी जा रही है आगे। वो ये इसकी एंट्रेंस साइड शुरुआत वाली साइड से, तो ये आप देख सकते हैं इसको भी काफ़ी जो है हैवी किस्म का कंक्रीट किया गया है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, रोड की दूसरी जानी भी वर्किंग चल रही है, वो आपको वापसी पर दिखाते हैं। और ये जापान रोड एंड पास का एरिया, यहाँ पर जो है ये वाल्स आप देख सकते हैं कंक्रीट वाल्स बन चुकी हैं, ब्रिज कलवर्ट जो बनाई जा रही है। और ये मिड में सिर्फ एक ट्रैफिक चल रही है, बाकी दूसरी साइड पे ही है, पहले मैंने आपको दिखाई थी। और साथ में एक ग्रेडिंग भी इस साइड पर हो रही है। और ये जो पहले सबसे पहले वाल्स बनी थी इनके ऊपर शटरिंग हो रही है और इधर जो है बस इनको ऊपर लेंटर डलेगा अभी आने वाले दिनों में। और साथ में ये आप देख लें रिवर गार्डन वाली साइड पे कंपेक्शन चल रही है काफ़ी तेज़ी के साथ, इंशाल्लाह जल्द ही इसको जो है एस्फाल्ट किया जाएगा। और एस्फाल्ट करने के बाद आपकी सारी जो ट्रैफिक है रोड टूवर्ड्स आगे जो है खन्ना पुल, वो सारी साइड पे डाइवर्ट हो जाएगी जिस तरह जापान रोड वाली साइड पे हुई है। और बाकी वर्किंग है तो ये दरमियान से सारा पोर्शन जो है रिमूव करके यहाँ पर जो है इन वाल्स को आपस में मिला के ऊपर इस कलवर्ट को कम्प्लीट कर दिया जाएगा। वर्किंग माशाल्लाह से इस साइड पे काफ़ी तेज़ चल रही है। वो यहाँ पर सारा जो है ये स्टील स्ट्रक्चर रेडी पड़ा हुआ है, जितनी भी वर्किंग जो है ये हो रही है और लेबर भी यहाँ पर लगे हुए हैं बुजुर्ग।
और दूसरी साइड पे भी आप कंपेक्शन देख लें, लगातार चल रही है। जापान रोड अंडर पास एरिया क्रॉस करके मैं आगे पहुंच चुका हूँ नेवल इंटरचेंज का जो ब्रिज है, नेवल इंटरचेंज का एरिया। यहाँ पर रुकने का कोई मुझे नहीं मिला था मतलब जगह कोई ऐसी जहाँ पर मैं रुके वीडियो बना सकूँ। यहाँ पर जो है रैपिड पेमेंट जारी है, कंक्रीट पेविंग हो रही है। जापान रोड और नेवल इंटरचेंज के बिल्कुल मिड का जो एक पोर्शन है, और साथ में दूसरी साइड पे बैरियर और वाल बन रही है। यह सामने वाला एरिया भी काफ़ी सारा एक्सवेट हुआ है, जबकि यहाँ पर वाल जो है कंप्लीट हो चुकी है नेवल ब्रिज के बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है, और मज़ीद एक्सवेशन भी की गई है। यह वाली अपडेट इंशाल्लाह आपको वापसी पर भी देते हैं। अभी आपको मैं दूसरी साइड पर दिखा देता हूँ, जो ब्रिज गिराया गया है उसके ऊपर भी वर्किंग शुरू हो चुकी है। नेवल एंकरेज इंटरचेंज के एरिया में जो वाल थी इसको बिल्कुल साथ में ये बनाया गया, काफ़ी एरिया एक्सवेट हुआ है। और ये पुराना लाइट पोल जो ये बिल्कुल दरमियान में था, इलेक्ट्रिसिटी पोल, इसको रिमूव कर दिया गया है। बाकी ये नए पोल्स लगा के तमाम बिजली की जो वायर्स हैं इनको साइड पर किया जा चुका है, जबकि यहाँ पर एक्सवेशन मुकम्मल तौर पर ये आगे तक हो चुकी है। और नेवल इंटरचेंज के ऊपर आने वाली जो रोड है लूप, ये थोड़ा सा आगे से रास्ता ये थोड़ा आर्जी बना हुआ है, बाकी यहाँ पर मुकम्मल ये एक्सवेशन हो चुकी है। अभी यहाँ पर नेवल की तरफ आने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं। एग्ज़िट पॉइंट तो कोई नहीं मसले वाला, लेकिन इंट्रेंस जो है वो गड़बड़ है। बाकी आगे वर्किंग आप देख लें, ब्रिज के ऊपर स्टार्ट हो चुकी है, ड्रिलिंग मशीन भी खड़ी है और साथ में क्रेन भी और पाइप जो है पहुँच चुकी हैं, इसके ऊपर वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि इसकी अल्टरनेट पाइप्स बन रही हैं या क्या इसका हिसाब किताब हो रहा है, वो भी आपको अपडेट करते हैं चल के। ब्रिज क्रॉस करने के बाद स्वां गार्डन के बिल्कुल बाहर वाला एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी वाल वर्क काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, साथ में ये कंपेक्शन भी हो रही है। फास्ट लाइन जो दो बनेंगी इनके ऊपर भी जो है कंपेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, जबकि वाल जो है इधर आगे तक मज़ीद अभी बनना बाकी है। रोड की दूसरी साइड पे वाल कंप्लीट हो चुकी थी और अभी ये आप सामने देख सकते हैं क्रेन खड़ी है, यहाँ से जो है पाइल्स लोड की जा रही हैं और ब्रिज जो बनेगा मतलब ये पाइल्स बनेंगी नई पाइल्स, यहाँ से लोड करके उधर लेके लाई जा रही हैं। ट्रालर खड़ा है, बाकी गार्डर्स जो है वो सारे रेडी पड़े हुए हैं और आगे जो है ये बैचिंग प्लांट भी लगा है सामने। अभी देखते हैं अप्रैल तक ये वर्किंग कंप्लीट होती है या क्या बनता है इसका। अभी मैं काफ़ी ऊंचाई पे आ चुका हूँ, यहाँ से वर्किंग आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक आप देख सकते हैं ये मशीन लगी है, कोई बोरिंग का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर टेस्टिंग शायद होगी इसकी और आगे जो है ये ड्रिलिंग का प्रोसेस हो रहा है। फिलहाल कोई कन्फर्म नहीं है कि इसका क्या अभी किया जाएगा, पाइल्स किस तरह की बनेंगी, पेयर्स। पुराना अगर ब्रिज देखें आप जो पहले बना हुआ है, इसकी एक सिंगल पायर ही ऊपर आई हुई है, जबकि नया जो ब्रिज बना है उसकी दो पायर्स और उसके ऊपर जो है बाकी वर्किंग हुई है। अभी इसका फ़िलहाल कंफर्म नहीं है क्या होना है, उम्मीद यही है कि इसके दो पेयर्स बनेंगे और इसके ऊपर वर्किंग होगी। आज जो है कश्मीर डे भी है तो उस हवाले से कोई छुट्टी नहीं है, इधर लेबर जो है वर्किंग कर रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लें वर्किंग किस स्पीड से फिर चल रही है। छुट्टी भी जो है इनको नहीं है, सरकारी छुट्टी है, हालाँकि इतवार के दिन भी वर्किंग चल रही होती है, तो आज जो है कश्मीर डे के मतलब दिन भी जो है वर्किंग हो रही है। रेलवे ब्रिज अगर मैं आपको दिखाता चलूँ PWD, तो यहाँ पर जो है पाइल्स तकरीबन ये रेडी हो चुकी हैं आपके सामने, तकरीबन ये 40 पाइल एक साइड पे रेडी हुई हैं, अभी दूसरी साइड पे भी इन्होंने रेडी करनी है, तो 40 पाइल के ऊपर जो है लगता है इसी तरह से ब्रिज बनेगा पहले जिस तरह से बना हुआ है, बिल्कुल इनको ऊपर से फिलअप कर दिया जाएगा और इसी तरह से मुकम्मल वाल बना के ऊपर जो है गार्डर्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। गार्डर्स ये रेडी पड़े हुए हैं साइड पे। तो अभी इन पाइल्स को जो है वो साफ़ करने का प्रोसेस हो रहा है, दूसरी साइड पे जो है मज़ीद पाइल्स बनाई जाएंगी। और ये नया बनने वाला फ्यूल स्टेशन गुलबर्ग ग्रीन्स के बिल्कुल करीब, टूथ स्टॉप जिसे बोला जाता है, इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है और इंशाल्लाह जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके सामने जो है ये एक ट्रेन बनाई जा रही थी, इसके ऊपर भी वर्किंग रहती है काफ़ी सारी, बाकी ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है।
और अभी मैं पहुंच चुका हूं जी ये PWD रेलवे ब्रिज। वापसी पर मैं आपको जो व्यूज़ दिखाने थे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पहले मैं आपको रोड दिखा दूं, ये ख़राब हो चुकी है, अभी इसको बने कोई ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ। इसमें यहाँ पर जो वर्किंग कर रही थी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका भी कसूर नहीं है। हम लोग ज़्यादा जल्दी करते हैं, ये कंक्रीट पेविंग जब हो जाती है और रास्ता बंद होता है तो हम लोग बाइक जो है ऊपर चढ़ा लेते हैं या गाड़ी, तो इस तरह रोड ये ख़राब होना शुरू हो जाए एक दफ़ा तो ये ख़राब हो जाती है। इसमें मटेरियल का भी कोई कसूर नहीं, मटेरियल भी बिल्कुल एक्यूरेट डाल के इस पर जो है बनाया गया था, FWO ने माशाल्लाह से वर्किंग की थी। और इसी तरह से ये गुलबर्ग ग्रीन्स के पास भी जो है इसी तरह ख़राब हो चुकी हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो हादसा होते हैं वो बाइक वालों के साथ ही होते हैं, इस तरह से अगर कट बन जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हादसा होंगे। हमें भी चाहिए, हम भी एहतियात करें, अगर ताज़ी ताज़ी जहाँ पर रोड बन रही हो, कंक्रीट पेविंग खासतौर पर जहाँ पर हो रही हो, वहाँ पर बाइक जो है वो ना ही चढ़ाया करें, बाद में हमारे लिए मसले मसाइल बनते हैं। अभी मैं वापसी वाला जो है आपको एरिया दिखा रहा हूँ। वापसी पे आप अगर खाना पुल टूवर्ड्स रुआत जा रहे हैं तो ये सामने आपको वर्किंग नज़र आएगी। यहाँ पर जो है वाल बनाई जा रही है, काफ़ी मज़बूत एक वाल पत्थरों की मदद से। और ये सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है कंपेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, रैपिड पेविंग होगी यहाँ पर और आगे के एरिए में हो चुकी है। और ये सामने अगर मैं आपको दिखा दूं तो रैपिड पेविंग मशीन खड़ी है, वर्किंग चल रही है, कंक्रीट लाइन जो है वो डाली जा रही है। ये आगे टेंपर भी खड़े हैं, कंक्रीट जो है वो लोड की है इन्होंने, यहाँ पर जो है इसको आगे मशीन के अंदर डाल के आगे रैपिड पेविंग का प्रोसेस जारी है। ये मैं जाते हुए नहीं आपको दिखा सका था क्योंकि उस साइड पर बाइक खड़ना करने की जगह भी नहीं थी। अभी आगे चल के तो आपको जापान रोड अंडर पास का एरिया दिखाते हैं। ये सामने एक सुजुकी शोरूम आ जाता है, इसको भी एक रास्ता दिया जाएगा। और इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो बैरियर जो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, बैरियर बनाया जा रहा है, आगे के एरिए में जो है मुकम्मल ये बैरियर बनाया जाएगा। एक और रास्ता भी यहाँ पर दिया जा रहा है, सामने जितनी भी आबादी है इनको भी जो है डायरेक्ट एक्सप्रेस वे के ऊपर कनेक्ट किया जा रहा है। और इसके बाद आगे जो है जापान रोड अंडर पास आ जाता है और ये सर्फिस जो है क्लीन किया जा रहा है, जापान रोड अंडर पास का एरिया। तो यहाँ पर जो है काफ़ी कंपेक्शन की गई थी, इसको भी एस्फाल्ट किया जाएगा और इसके बाद इसको जो है ओपन कर दिया जाएगा। पहले दो लाइंस जो हैं वो चल रही हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक का लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी इंशाल्लाह इस सरफेस को जो है इस रिमूव करके साफ करके एस्फाल्ट किया जाएगा, जितने भी मिट्टी है और कोई पत्थर बाहर निकले होते हैं इसको सफाई का प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह यहाँ पर जो है एस्फाल्ट का प्रोसेस होगा आने वाले दिनों में। और ये जापान रोड अंडर पास का एरिया, इसके ये डेकोरेशन का प्रोसेस जारी है। इसको ये आप सामने देख रहे हैं, वर्किंग चल रही है, जबकि दूसरी साइड पे वाल्स अगर आप देखें वो जो है रेडी हो चुकी हैं। स्टील स्ट्रक्चर जो है ये सामने कुछ का बना हुआ है जो बेंड दिया जा रहा है, इसको भी कंक्रीट किया जाएगा। बाकी साइड के ऊपर ये बैरियर वगैरह और थोड़ा बहुत जो वर्क रहता है वो हो रहा है। और ऊपर का जो एरिया है रोड का, वहाँ पर जो है ग्रेडिंग कंपेक्शन लगातार चल रही है, काफ़ी यहाँ से रोड ऊंची कर दी गई है। और अभी मैं मेन जो वर्किंग चल रही है काक पुल के ऊपर उधर पहुँच चुका हूँ। ये गार्डर्स यार्ड और ये काक पुल जो नए ब्रिजेज हैं, ये पहले वाला जो ब्रिज है काक पुल टुवर्ड्स बाद, तो इसके ऊपर जो है गार्डर्स इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है जारी है। ऊपर जो है डेस्क स्लैब्स भी बन रही हैं, आपके सामने जो है ये वर्किंग देख लें। गार्डर्स इंस्टॉलिंग का प्रोसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और अभी जो है तकरीबन एक साइड पे गार्डर्स इंस्टॉल हो रहे हैं और मज़ीद लेबर भी लगी है, साथ साथ शटरिंग भी चल रही है और लाइट्स भी लगी हुई हैं, मतलब नाइट के टाइम भी यहाँ पर वर्किंग चल रही होती है। तो माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी के साथ वर्किंग हो रही है। और ये काक पुल मेन स्टॉप का एरिया, काक पुल के ऊपर यहाँ पर जो रैंप लूप्स हैं इनके ऊपर वर्किंग चल रही है। पहोटा रोड के तरफ जो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर आप देख लें, ग्रेडिंग कंपेक्शन भी साथ साथ हो रही है, ऊपर जो डैम्पिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, एक्सप्रेशन भी हो रही है। जबकि ये अगर मैं साइड दिखाऊँ आपको बाज़ार वाली, तो यहाँ पर भी कंपेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। पिछले दिनों वर्किंग इस साइड पर रुकी हुई थी, कोई दो हफ्ते बाद की ये वीडियो लग रही है। तो आपको अभी ब्रिज के नीचे भी मैं लेके चलता हूँ, ब्रिज का सारा जो एरिया दिखाता हूँ वहाँ पर जो है कितनी वर्किंग हो चुकी है। ऊपर से तो मैं कोई ख़ास अपडेट नहीं आपको कर सका था, तो वर्किंग माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ है। और अभी मैं मेन जो है काक पुल के नीचे आ चुका हूँ,
यहाँ पर जो है वर्किंग माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ी से जारी है। टोटल जो है वो 14 स्पैन्स हैं इस ब्रिज के, और दो साइड पे जो है ये अपार्टमेंट जो कि एंड पॉइंट होता है ब्रिज का, जिसको विंग वॉल भी जो बोला जाता है, या तो ये पत्थरों की बनाई जाती है, आजकल जो है कंक्रीट की बनाई जा रही है। और पहले मैं ये ब्रिज आपको अगर दिखाऊँ तो पुराने जो ब्रिज हैं उनके अगर आप देखें तीन तीन पियर्स ऊपर गई हुई हैं और उसके ऊपर जो है इनका बना हुआ है ट्रोजन। और इसके साइड पे अगर आप नए ब्रिज देखें तो इनकी दो पेयर्स ऊपर गई हैं और इनके ऊपर ट्रोजन बनाए। तो अभी आजकल जितने भी ब्रिज बन रहे हैं उनके दो ये पेयर्स ही ऊपर जाती हैं और ऊपर ट्रोजन बना के इसके ऊपर वर्किंग होती है। बाकी दूसरी साइड पे जो है कंक्रीट वर्क जारी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गार्डर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं उनका भी आपको बताता हूँ। ये ब्रिज तो काफ़ी टाइम पहले बने थे। एक तो जो है खन्ना टूवर्ड्स अग्रवाल आप जाएं, जो ब्रिज उस साइड पे है एक्सप्रेस वे का, वो जो आज से तकरीबन 20 साल पहले बना था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ता है कि उस पर 3 साल लगे थे। तो इसको अगर आप देखें, ये ब्रिज जो नए बने हैं तो ये साल का अरसा भी नहीं हुआ इनको, और ये तकरीबन अब अख्तितामी मराहिल पे पहुँचने वाले हैं। दो हफ्ते पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी तो कोई गार्डर्स का नामो निशान यहाँ पर नहीं था, और अभी जो है गार्डर्स इंस्टॉल करके इनके ऊपर डेस्क स्लैब्स पे वर्किंग चल रही है। तो ये भी मैं आपको करीब से चल के भी दिखा देता हूँ। पुराने दोनों ब्रिज अगर आप देखें तो 5-5 गार्डर जो है एक स्पैन के अंदर इंस्टॉल हुए हैं, एक स्पैन से दूसरे स्पैन की तरफ। ये भी आप देख लें तकरीबन 5 गार्डर्स, और अगर आप नए ब्रिज को देखें तो उसमें जो है 4 गार्डर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और टोटल जो है 14 स्पैन हैं और एंड पे जो है अपार्टमेंट है। और अभी चौथी जो स्पैन है उसके ऊपर कंक्रीट वर्क जारी है, और टोटल 5 स्पैन में जो है वो गार्डन इंस्टॉल हो चुके हैं। 10 स्पैन जो हैं उनमें गार्डन इंस्टॉल होना बाकी है एक साइड पे, बाकी दूसरी साइड पे अभी गार्डन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हुआ। लगातार जो है ऊपर वर्किंग चल रही है, डे नाइट चल रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और यहाँ से अभी आपको सही नज़र आ रहा होगा ये पॉइंट, अगर आप देखें तो 4 गार्डर्स जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं मिड का पोर्शन, इनमें स्टील जो है वो फिक्स किया जा चुका है, साथ में आगे भी लेबर जो है लगी हुई है काफ़ी तेज़ी के साथ माशाल्लाह से, इधर भी वर्किंग चल रही है। तो यहाँ से कंक्रीट जो है ऊपर पहुँचा के साथ में जो है डेस्क स्लैब्स भी बन रही हैं, और ये मिड का पोर्शन फिल अप करके इनको जॉइंट भी डाला जा रहा है। इंशाल्लाह आगे 2 से 3 हफ्ते के दौरान दूसरे साइड वाला जो ब्रिज है उसके ऊपर भी गार्डर्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। और पुल के नीचे जो है स्वां का एरिया है, यहाँ से सीधा रास्ता बनाया गया है दोनों साइड से गार्डर इंस्टॉल करने के लिए, ताकि ऊपर जो है गार्डर ऊपर से पुराने जो पुल हैं उनसे ना गुजारना पड़े, यहाँ से डायरेक्ट जो है गार्डर्स ला के इधर से इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ऊपर वाली ट्रैफिक बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, दोनों साइड से इसी तरह रास्ते बने हुए हैं ताकि गार्डर्स जो है इसी साइड से ले जाके इंस्टॉल किए जा सकें। ब्रिज के ऊपर से ले जाने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ रही, यहाँ से जो है इंस्टॉल करके इनके ऊपर वर्किंग चल रही है। तो आज आपने वर्किंग देख लिया माशाल्लाह से कितनी तेज़ चल रही है। अभी मैं आपको स्पैन का बता देता हूँ कि स्पैन किसे कहते हैं। ब्रिज में जो स्पैन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये सामने जो आपको पेयर नज़र आ रहा है इससे लेके आगे तक जो ये फासला है दरमियान में, ये समझ लें एक जो है स्पैन है। टोटल जो है 14 स्पैन है इस ब्रिज में, दोनों साइड के अगर ब्रिज में लाएँ तो टोटल 28 स्पैन बनते हैं, और 4 जो है अपार्टमेंट हैं। और पुराने जो ब्रिज हैं इनके जो है 3-3 पाइलें ऊपर आई थी, और ऊपर पाइल कैप बना के फिर पियर्स बने थे और ऊपर जो है ट्रोजन बना दिए गए थे। और अगर आप नए ब्रिज को देखें तो इसके लिए जो है 12 पाइल्स ऊपर आई हैं, ज़मीन से 12 पाइल्स ऊपर लाई गई हैं, और फिर जो है ऊपर बेड बना के पाइल कैप बना के काफ़ी मजबूत ये बेड बना था, ये भी मैंने आपको दिखाया था सारा। इसके ऊपर जो है 2 ये पियर्स ऊपर आई हैं, और इनके ऊपर ये ट्रोजन बना के 4 गार्डर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो ये पुराने जो ब्रिज हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हैं ये वाले ब्रिज। और ये पानी के लिए रास्ता बनाया गया है, आगे भी आप ये देख सकते हैं डंपर गुजर रहे हैं, यहाँ से जो है गार्डर्स गुजार के आगे इंस्टॉल किए जाएंगे, मज़ीद आगे रास्ता जो है वो क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देख लें पाइप डाल के, तो यहाँ से पानी का रास्ता बना हुआ है, ऊपर कोहटा रोड का एरिया आ जाता है। इस साइड पर जो है अपार्टमेंट मतलब विंग वाल के ऊपर जो है वर्किंग रहती है, आखिरी जो वाल बनाई जाएगी एंड पॉइंट जो होगा स्पैन्स का और ब्रिज का। और ये कोहटा रोड के साथ जो है ट्रेन के लिए वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है,
यहाँ पर भी एक कलवर्ट बनाई जाएगी जिस तरह से बाज़ार वाली साइड पे बनी थी, पहले मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी। जबकि इस साइड पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मिड का जो पोर्शन है, रात साइड से एग्ज़िट पॉइंट है कहोटा रोड की तरफ, या फिर आप खन्ना पुल की तरफ जाना चाहते हैं तो कहोटा रोड से एंट्रेंस साइड ये वाली होगी। तो यहाँ पर ये मिड का जो पोर्शन है यहाँ पर भी कोई वर्किंग चल रही है। दूसरी साइड पर तो बाज़ार आ जाता है, जबकि ये वाला एरिया अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी ग्रेडिंग हो रही है। ये वाली जो एंट्रेंस होगी ये वाली कोहटा रोड को दी जाएगी, बाकी तो दरमियान वाला जो पोर्शन है ये शायद ग्रीनरी के लिए कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है वर्किंग चल रही है काफ़ी तेज़ी के साथ। पार्क पुल की ये साइड में अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर भी आप अर्थ पार्क देख लें, काफ़ी जो है अर्थ पार्क हो चुका है। बिल्कुल मेन रोड जो गुजर रही हैं दो लाइनें उनके साथ तक यहाँ पर अर्थ पार्क कम्प्लीट हो चुका है। इसके ऊपर कंपेक्शन भी तकरीबन हो चुकी है और यहाँ पर जो है कंक्रीट पेविंग की जाएगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। काकपुल इंटरचेंज के ऊपर भी वर्किंग तेज़ हो चुकी है और ये काकपुल स्टाफ का एरिया जो कि कंपेक्शन यहाँ पर हो चुकी है, जबकि दूसरी साइड पे ये ट्रालियाँ खड़ी हैं, पत्थर जो है आ चुके हैं, वाल जो इस साइड पे बनाई जा रही है उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। आज की वीडियो में दोबारा से आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की डिटेल में अपडेट दी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उस टाइम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।